इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर लैंडफिल साइट के ठीक सामने। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंचे हुए हैं, आतिशी नजर आ रही है, रोहित मेहरोलिया हैं, कुलदीप कुमार हैं। यहाँ पे नारेबाजी अचानक क्यों आप लोगों ने शुरू कर दी है? देखिए, हमने एक कैंपेन शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी के कूड़े के विरोध में, कि भाजपा का चमत्कार देखो, कूड़े का पहाड़ देखो। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की देन है ये कूड़े के पहाड़। भारतीय जनता पार्टी की देन है कि दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गई है। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्यों पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी कूड़े का पहाड़ नहीं हटा पाई। इतना भ्रष्टाचार करते हैं, दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर देते हैं। अब दिल्ली वालों ने मन बना लिया है कि घर के कूड़े के साथ भारतीय जनता पार्टी को भी बाहर फेंकने वाले हैं। सवाल ये भी है कि क्या नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, तो इस तरह के आप विरोध प्रदर्शन भी देखने के लिए मिलेंगे? देखिए, हम तो शुरू से ही गाजीपुर लैंडफिल साइट का सवाल उठाते आए हैं। एक पर्यावरण समिति की मैं चेयरपर्सन थी, मैंने बार बार अस्टवाल ईस्ट EDMC के ऑफिशियल्स को समन किया, लेकिन उनका खुद का डेटा ये दिखाता है कि इस कूड़े के पहाड़ को साफ करने में उनको 200 साल लग जाएंगे। यहाँ पर हमने देखा कि एक तंत्र भी लगा हुआ है, सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें कहा जाता है कि कूड़े को रिसाइकिल करने का काम किया जाता है, उससे आम आदमी पार्टी सहमत नहीं है क्या? हम बिल्कुल सहमत हैं, पर स्पीड से तो करें। अब 200 साल लगाएंगे तो क्या दिल्ली वाले 200 साल तक इंतजार करेंगे? आप देखिए, इतनी बदबू है यहाँ पे कि आपको भी मास्क पहनना पड़ रहा है बदबू की वजह से। और भारतीय जनता पार्टी अगर MCD का चुनाव जीत जाती है तो ऐसे कूड़े के पहाड़ दिल्ली में हर जगह आ जाएंगे, हो सकता है आपके घर के बगल में भी आ जाए। आप तो विधायक हैं यहाँ से, किस तरह की समस्याएं आम लोगों को झेलनी पड़ती है? देखिए, बगल में गाजीपुर है, उसके बगल में राजवी कॉलोनी है, मुल्ला कॉलोनी है, कल्याणपुरी है, वहाँ के लोगों का जीना दुश्वार है। बाकायदा मैं अभी गाजीपुर थाने गया था, वहाँ पुलिस वाला को जीना भी दुश्वार है। तो जिस प्रकार से यहाँ दावा किया गया था कि हम इसको कम कर रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं, और जिस प्रकार इसको किया जा रहा है अभी तो ये और फैला दिया गया है पीछे की तरफ। अगर आप बी ब्लॉक जाओगे गाजीपुर, और फैला दिया है। सामने इसके एक और लैंडफिल साइट नहीं तैयार की जा रही है, तो जो बताया जा रहा है कि 16 लैंडफिल साइट बननी जा रही है, ऐसे तो दिल्ली के तो जगह जगह लैंडफिल साइट बन जाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाई 17-18 सालों में। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक मात्र उम्मीद है दिल्ली के लोगों की, जिसको इस कूड़े के निकाल अरविंद केजरीवाल जी उसका इस तरह दिला सकते हैं। आपकी विधानसभा में क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कतें यहाँ से त्रिलोकपुरी के बरसात के दिनों में त्रिलोकपुरी तक यहाँ पे बदबू स्मेल जाती है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग यही देखने आए थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने जो दावा किया है उसमें कितनी सच्चाई है, वो सब देखने आए थे। और ये यहाँ पे हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि ये जो देखिए कूड़े का पहाड़ पीछे आपको नजर आ रहा है, कई सालों से आम लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर देखें तो चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई, नगर निगम को लेकर रोजाना कोई ना कोई खबर देखने के लिए मिलती है, और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी जो है वो अब विरोध प्रदर्शन कर रही है गाजीपुर लैंडफिल साइट के ठीक बाहर। और जिस तरीके से मांग की जा रही है पूरे मुद्दे को लेकर, ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि अब आने वाले दिनों में इस अभियान को आम आदमी पार्टी दिल्ली में जितनी भी लैंडफिल साइट है वहां लेकर पहुंचेगी। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।